हेलो गाइज, वेलकम टू प्रो टॉक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इससे पहले हमने देखा था कि आप शॉपसी पे कैसे सेलर अकाउंट बना सकते हैं, और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शॉपसी में आप कैसे कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर अगर आपको शॉपसी पे अकाउंट में यहाँ पर आपको ऐड करना है प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सो प्रोडक्ट्स में आप आते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा इसका सर्वर पाना स्लो है, तो कुछ टाइम लेता है ये आने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको पहले प्रोडक्ट का नेम इनपुट करना है, तो पहले मैं प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ यहाँ पे। सो गाइज, आप यहाँ पर जैसे ही पुट करते हैं अपना टाइटल, सो यहाँ पर आपको रिकमेंड कैटेगरी भी आ जाता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर ये आ सकता है। तो मेरा ये पिलर कटिंग के अंदर आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। बाकी आप यहाँ से मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा कैटेगरी है। तो जैसे ही आप टाइटल डालते हैं, ऑटोमेटिक आपको जनरेट कर देता है, सजेशन दे देता है कि ये कैटेगरी होना चाहिए। अगर इसमें आपको नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से मैनुअल चूज करके फिर यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको सर्च का भी, सर्च कैटेगरी नेम का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, आपको ये पेज कम्प्लीट होता है, आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये हमारा पेज जो है वो हो गया है। अब दोस्तों, फर्स्ट में आपको इमेज जो है वो देने हैं, 9 इमेज आप बोल रहा है, तो 9 इमेज है प्लस 1 कवर वीडियो है। तो वीडियो अगर आप देना चाहते हैं तो वीडियो भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी ब्रांड रजिस्ट्री का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप वीडियो भी दे सकते हैं। तो वीडियो मैंने अभी नहीं दूंगा आपको, वीडियो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इमेज अपलोड करना है, तो मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ। सो गाइज, देख सकते हैं यहाँ पर हमने इमेज दे दिया है प्रोडक्ट का। अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। MP4 फॉर्मेट में होना चाहिए और ड्यूरेशन 10 से 60 सेकंड के अंदर होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर का वीडियो आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेम जो है वो आ गया है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, कैटेगरी हमारी शो कर रही है, यहाँ पर आपको ब्रांड है वो चूज करना है। तो ब्रांड यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड दिए हुए हैं, तो जो भी आपको देना है यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर अभी अप्रूवल वगैरह कुछ नहीं मांग रहा है। अगर आपको आपका अपना कोई ब्रांड है जो यहाँ पर, क्योंकि आपका अपना ब्रांड तो यहाँ पर शो नहीं करेगा जाहिर है, तो यहाँ पर आपको देखिए नोट इन लिस्ट क्लिक हेयर टू ऐड योर ब्रांड। तो यहाँ पर आप अपना ब्रांड ऐड कर सकते हैं। अब ब्रांड कैसे ऐड करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे कि ब्रांड कैसे ऐड करते हैं हम लोग शॉपसी में। अभी हम लोग लेके चल रहे हैं कि हम लोग नो ब्रांड वाला प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नो ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैनुफैक्चरर डिटेल है, तो मैनुफैक्चरर जो भी हो वो आपको यहाँ पर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ही दे देता हूँ अपना नाम, तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया। वारंटी ड्यूरेशन अगर है या नहीं है, तो यहाँ पर अगर वारंटी नहीं है मेरे प्रोडक्ट्स में, वारंटी टाइप नो वारंटी मैंने यहाँ पर दे दिया। सेफ्टी यहाँ पर अगर कुछ सेफ्टी मार्क आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, बट मैं कुछ यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। क्वान्टिटी यहाँ पर हमारा 1 पीस है, और यहाँ पर पेकर डिटेल जो है वो मेरा ही है, तो ये भी मैंने दे दिया। तो इसके बाद दोस्तों, इंपोर्टर डिटेल है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, तो मैं छोड़ रहा हूँ। बहुत ईजी है प्रोसेस यहाँ पर लिस्ट करने का। इसके बाद दोस्तों, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वेरिएशन अगर आपको बनाना है तो वेरिएशन आप बना सकते हैं। वेरिएशन इसमें कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। इनपुट प्राइस, प्राइस इसका कितना है, तो यहाँ पर MRP हमसे नहीं पूछ रहा है, मतलब प्राइस ही पूछ रहा है कि आप कितना में इसे सेल करना चाहते हो। मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, लेट्स 200, हाँ चलिए 200 मैंने कर दिया, ठीक है। स्टॉक आपको बताना है कितने पीस है, मैं बोलता हूँ यहाँ पर 10 पीस है मेरे पास। यहाँ पर होल सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर होलसेल प्राइस टैग, होलसेल विल बी हाइडेड व्हेन प्रोडक्ट अंडर एड ऑन डील एंड बायर बैनर डील। ये क्या है भाई, होलसेल, यहाँ पर होलसेल प्राइस बोल रहा है कि अगर आपको होलसेल में सेल करना है, ठीक है, तो मिनिमम कितना पीस आपको सेल करना है, मिनिमम कितना पीस होना चाहिए और मैक्सिमम कितना पीस सेल करना चाहिए, और यहाँ पर आपको कितना उसका प्राइस रखेंगे। जस्ट मतलब होलसेल में अगर कोई बाय करना चाहता है तो आपसे यहाँ पे लेगा, तो बट इसे हम नहीं रखना चाहते, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद HSN कोड बोल रहा है कि HSN कोड दीजिए क्या है, और टैक्स सेलेक्ट कीजिए कितना परसेंट में आता है, तो ये आता है 18% में, HSN में फाइन करता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हमने HS कोड दे दिया है, 23% सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर वेट आपसे पूछ रहा है वेट कितना है, तो मैंने डाल दिया 400 ग्राम। पार्सल साइज आपको बोल रहा है, इसका साइज बताइए सेंटीमीटर में, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 20, एल है आपका 10, हाइट है आपका 7, ठीक है। तो ये आप दे दीजिए आपका जो भी हो। अब यहाँ पर देखिए, आपको दोस्तों बोल रहा है कि डिलीवरी मैक्सिमम जो है वो शॉपी सपोर्ट लॉजिस्टिक, तो आप किससे कराना चाहते हैं, डिलीवरी से या ईकॉम एक्सप्रेस से? तो हम डिलीवरी से कराएंगे, और हम यहाँ पर जो है इसे अनेबल कर देते हैं।
ये हमारा वेट केजी। अच्छा तो वेट हमने यहाँ पर 4000 केजी कर दिया, इसे हम लोग 0.4 कर देते हैं। वेट 0.4, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया, देख सकते हैं शिपिंग फी हमसे जो ले रहा है वो 1 रुपीज ले रहा है। दोनों में से कोई भी हमारा लॉजिस्टिक अप्लाई हो जाएगा, दो ही लॉजिस्टिक यहाँ पर है, एक डिलीवरी और एक ईकॉम एक्सप्रेस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोल रहा है प्री ऑर्डर, आप लेंगे या नहीं लेंगे। आई विल शिप आउट विद इन 2 डे। शिप अगर आप 2 दिन में शिप कर सकते हैं तो आप इसे यस कर दीजिए, क्योंकि हम कर ही सकते हैं प्री ऑर्डर। तो बिजनेस डे टू शिप बिटवीन 7 to 30 डे, तो हम लोग 7 to 30 डेज के अंदर शिप कर देंगे प्रोडक्ट आराम से। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, तो हम यहाँ ले लेते हैं 2 डे। 2 डे में आराम से हम शिप कर देंगे। तो यहाँ लेकिन हमें 7 डे लेना है, तो 7 डे मिनिमम आपको लेके चलना है, 7 हम लोग कर लेते हैं। कंडीशन न्यू है, SKU है हमको बनाना है, तो मैं बना देता हूँ SOP CHOBER01। ये मैंने SKU बना दिया। तो दोस्तों बस सिंपल है, सेव एंड पब्लिश पे क्लिक कीजिए। तो गाइस देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ही सबमिट हो गया है, और यहाँ पर अभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू में गया हुआ है। तो रिव्यू में जाने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको व्यू भी बताएगा कि कितना व्यू जा रहा है, पेज व्यू ऑफ दिस आइटम। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट में एडिटिंग करना है तो एडिट यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, तो बड़ी आसानी से जो भी प्राइस, इमेज, जो डिस्क्रिप्शन, जो भी एडिट करना है वो बड़ी आसानी से एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आपने कितना आसान है यहाँ पर शॉपसी में प्रोडक्ट को लिस्ट करना। तो अब ये जैसे ही जैसे हम मीशो पे हमारा रिव्यू में जाता है लाइव होने से पहले, उसी तरह यहाँ पर देखिए रिव्यू में गया हुआ है। तो रिव्यू में देख रहा हूँ हट गया है, तो शायद ये मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एडिटिंग मोड में ही आ रहा है। सो गाइज ये प्रोडक्ट हमारा लिस्ट हो गया है, और मुझे लगता है ये लाइव भी हो गया है, क्योंकि रिव्यू का साइन जो देख सकते हैं हट गया है यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो गया है। तो इसी तरह से आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, और आने वाले दिन में हम शॉपसी के और भी बहुत से वीडियो लाने वाले हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।